जैन धर्म के प्रतिष्ठाता महावीर जी को इतना सिद्धि हासिल हो गया था कि उनके शरीर को कोई भी चीज छू नहीं पाता था। यहाँ तक कि उनके वस्त्र उनके शरीर से गिरने लगा, वो संपूर्ण नग्न हो गए। लेकिन उनको इस चीज को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। उनका मन एक निष्पाप सरल बच्चे के जैसे हो गया था। वो कहते थे, सारा पृथ्वी और गगन उनका वस्त्र है। उनको देखते हुए कई सारे साधुओं ने भी वस्त्र परित्याग करने लगे और संपूर्ण नग्न रहने लगे। उनके लिए यह एक धार्मिक प्रथा बन गया था। एक बार की बात है, रजनी सोसो जी ने उन जैसे एक साधुओं से पूछा, आप लोग वस्त्र परित्याग क्यों कर रहे हो? उस साधु ने बोला, महावीर जी ने भी तो यही किया था और उनको सिद्धि हासिल हुआ था, इसलिए हम उन्हें अनुसरण करते हैं। फिर उसको पूछने लगे, क्या वस्त्र परित्याग के बिना सिद्धि हासिल नहीं हो सकता? कि आपके विचार से वस्त्र परित्याग करना ही सिद्धि पाना है? यह सुनते ही जैन मुनि शांत हो गए और फिर उसको कहने लगे, वास्तविक में बात कुछ ऐसा है, महावीर जी को सिद्धि हासिल होने के बाद ही उनके वस्त्र अपने आप ही गिर गया। उन्होंने वस्त्र परित्याग नहीं करा था, वस्त्र उनके शरीर को परित्याग करा था। लेकिन आप लोग वस्त्र को परित्याग कर रहे हैं। अपने मन में ऐसा सिद्धि और भक्ति जगाओ कि वस्त्र अपने आप ही जमीन में गिर जाए। यही था महावीर जी का सिद्धि। दोस्तों, इस चीज को लेकर कबीर जी दोहे में कहते हैं, मन मेला तन उजाला, बगुला कपटी अंग, तासों तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको और क्या क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।